हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग डिग्री डिग्निटी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम फिर डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम जो प्रीवियस क्लास में भी हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन डील किए हैं, तो चलिए नेक्स्ट अभी जो आज का वीडियो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज द फिफ्थ वाइटल साइन। कौन सा ऐसा वाइटल साइन फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में कंसिडर किया जाएगा जिसको हम फिफ्थ वाइटल साइन कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है स्किन टेम्परेचर, स्किन कलर, लेवल ऑफ पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। आप सबको पता होगा जो हमारी बॉडी में जो वाइटल साइन होते हैं वो TRP BP होते हैं। क्या होते हैं? TRP मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, पल्स और बीपी। क्या होता है? पल्स एंड बीपी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोर फोर टाइप के वाइटल साइन होते हैं, बट ये पूछा है फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है। तो फिफ्थ वाइटल साइन के रूप में हम लेवल ऑफ पेन को कंसिडर करते हैं। जो पेन होता है उसको फिफ्थ वाइटल साइन माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज द फिफ्थ वाइटल साइन इन इमरजेंसी कंडीशन। इन इमरजेंसी कंडीशन, तो इमरजेंसी कंडीशन जो होती है उसमें फिफ्थ वाइटल साइन किसको कंसिडर करेंगे? प्यूपिलरी रिएक्शन को। किसको करेंगे? प्यूपिलरी रिएक्शन को। किसको करेंगे? प्यूपिलरी रिएक्शन। जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें फिफ्थ वाइटल साइन कौन होगा? प्यूपिलरी रिएक्शन। और एज ए नॉर्मली फिफ्थ वाइटल साइन होगा लेवल ऑफ पेन। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन ओपन इंसुलिन वायल आफ्टर शुड बी डिस्कार्डेड। एक ओपन इंसुलिन वायल है उसको ओपन करने के बाद कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? ये सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 15 डेज ऑफ ओपनिंग, 1 मंथ ऑफ ओपनिंग, 1 वीक ऑफ ओपनिंग या फिर 10 डेज ऑफ ओपनिंग। मतलब उसको ओपन करने के कितने दिन बाद तक उसको यूज किया जा सकता है। सिंपली 15 दिन तक करेंगे या फिर 1 मंथ तक करेंगे या फिर 1 सप्ताह तक, फिर 10 दिन तक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मंथ। क्योंकि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जब इंसुलिन को जब ओपन नहीं करते हैं, जब वो ऐसे मतलब एकदम पैक रहता है, तब उसको 2 से 6 डिग्री पर स्टोर किया जाता है और स्टोर किया जाता है। बट उसको जब ओपन करने के बाद, आफ्टर ओपन, आफ्टर ओपन इंसुलिन को 1 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। कितने दम? 1 महीने तक यूज किया जाता है और उसको रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 1 मंथ तक उसको यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एवरेज डेली सेंसेस इन अ हॉस्पिटल इज कैलकुलेटेड। जब हॉस्पिटल में डेली सेंसेस कितनी बजे सबमिट किया जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है। जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद पोस्टेड होंगे एम्स में, तब आपको डेली सेंसेस सबमिट करना पड़ेगा। तो वो कौन से टाइम पे सबमिट करना रहता है? पूरे 24 आवर्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन बता रहा है सुबह 6 बजे, या फिर 6 बजे शाम को, या फिर 12 बजे मतलब 11:59 पे, या फिर 8 बजे। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्टली राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि 24 आवर्स का सेंसस 11:59 पे सबमिट करते हैं। कितने बजे? रात को। ठीक है, रात को, पूरे दिन भर का, पूरे मॉर्निंग इवनिंग का शिफ्ट का सेंसस रात को 12 बजे सबमिट किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज टर्म्ड एज। जो टिश्यू रहता है उसमें ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि सेल्स, सेल एंड टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा एनोक्सिया। क्या हो जाएगा? एनोक्सिया। इसको क्या बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, उसको बोलते हैं एनोक्सिया। इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, बट एक एक करके सारे ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे एनोक्सीमिया, एनोक्सीमिया का मतलब होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है,
अगर यहाँ पे पूछता है एनोक्सीमिया, तो यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, और डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी को डिस्निया बोलेंगे। और एस्फाइक्सिया का मीन्स होता है कि फेलियर ऑफ रेस्पायरेशन, फेलियर ऑफ रेस्पायरेशन एंड इनिशिएट करने में और उसको मेंटेन करने में, फेलियर ऑफ इनिशिएशन ऑफ रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन एंड उसको जो मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा उसको बोलेंगे एस्फाइक्सिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ बेड मेड फॉर अ क्लाइंट हु कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बेड का टाइप होगा जिसमें पेशेंट कैन नॉट गेट आउट, कैन नॉट गेट आउट, इस पे ध्यान देना है कि वो गेट आउट मतलब बेड के ऊपर ही रहेगा, उससे आउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ओपन बेड, क्लोज बेड, ऑक्यूपाइड बेड या फिर कार्डियक बेड। तो ऐसा कौन सा बेड होगा जिसमें पेशेंट कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपाइड बेड। क्या बोलते हैं? ऑक्यूपाइड बेड। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कि उसमें पेशेंट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे राइट आंसर तो हो जाएगा सी, बट ओपन बेड ऐसा होता है कि वो पेशेंट के लिए फॉर, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है उसका एडमिशन के लिए, फॉर रेडी रेडी फॉर एडमिशन ऑफ पेशेंट, उसको ओपन बेड बोलते हैं। और क्लोज बेड भी ओपन बेड जैसा ही होता है, बट उसमें एक जो सारे लिनन है उसको ऐसे बेड के ऊपर रखे रहते हैं, बट एक जो अपर साइड का जो सिरा है, जो एंड है, उसको फोल्ड करके रखते हैं। और कार्डियक बेड होता है जिसमें पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी के लिए या तो पिलो यूज़ करते हैं, जैसे पेशेंट है तो उसके यहाँ पे टेबल यूज़ की जाती है या फिर कुछ पिलो यूज़ किया जाता है, कार्डियक बेड उसको बोलते हैं, कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रिजोल्व करने के लिए, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है उस पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए कि इजीली ब्रीथ कर सके, उसके लिए कार्डियक बेड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन एजेंट दैट इनिबिट इज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा कौन सा एजेंट होगा जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बैक्टीरियोसाइड, सेकंड बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोस्टेट या फिर फोमाइड या फिर एंटीपायरेटिक। तो आपको पता होगा एंटीपायरेटिक मींस एंटी, जो फीवर के अगेंस्ट दी जाती है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोमाइड जो किसी बीमारी को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं फोमाइट, वो भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, ये बैक्टीरियोसाइडल जो एजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, वो एजेंट जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो यहाँ पे टू किल, किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार जो किल करता है उस एजेंट को बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ के किल किल के नहीं पूछा है, इनिबिट पूछा है। तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियो स्टेट। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो स्टेट। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन अकर इन हॉस्पिटल आर कार्ड, कि जो क्रॉस इन जो हॉस्पिटल में आने के बाद जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है वो कौन सा होता है। तो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो हॉस्पिटल में एडमिशन होने के बाद जो पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, जिसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, और वो उसी को क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं इसको। ये आफ्टर विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, पेशेंट के एडमिशन के 48 घंटे के अंदर जो इन्फेक्शन होगा उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोलेंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है इकोलाई। क्या होता है? इकोलाई। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैथोजेंस क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर एंड इन्फेक्ट द फिटस इज यूट्रस इज टर्म्ड एज। पैथोजन कौन सा ऐसा पैथोजन होगा या फिर कौन सा ऐसा इन्फेक्शन होगा जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर से, मदर के जो यूट्रस रहता है उसमें से फिटस में चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उस इन्फेक्शन को क्या कहेंगे? इंजेक्शन, इंजेशन,
या वर्टिकल ट्रांसमिशन या एट्रोजेनिक इन्फेक्शन या इनोकुलेशन। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि इनोकुलेशन होता है, उसका मतलब होता है इंसर्ट करना, इसका मतलब होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो करते हैं वैक्सीनेशन, उसको इनोकुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग प्रोसीजर। अब कौन सा प्रोसीजर, कि बॉडी में कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब कोई इन्फेक्शन उसको मिल जाता है, पेशेंट को एक्वायर्ड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ड्यूरिंग प्रोसीजर मिलने वाला, एक्वायर्ड होने वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक। और वर्ड इंजेशन का मतलब होता है इंजेस्ट करना, मतलब निगलना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एट्रोजेनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रोसीजर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वर्टिकल ट्रांसमिशन, जो प्लेसेंटल बैरियर होता है उसके थ्रू क्रॉस करके मदर से फिटस में इन्फेक्शन जाएगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द करेक्ट पोजिशन टू परफॉर्म माउथ केयर ऑन अ कॉमेटस पेशेंट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसमें नर्स को कौन सी पोजिशन देनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, जो बेहोश है, उसको सबसे प्रिफर्ड पोजिशन, जो सबसे मोस्ट पोजिशन होती है, वो कौन सी होती है? साइड लाइन पोजिशन, या सेमी फाउलर पोजिशन, या प्रोन पोजिशन, या फिर सुपाइन पोजिशन। तो यहाँ पे हम सुपाइन पोजिशन पेशेंट को नहीं दे सकते, क्योंकि कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको अगर सुपाइन पोजिशन देंगे तो हो सकता है उसमें एस्पायरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग आफ्टर ऑपरेशन उसको एनेस्थीसिया लगा हुआ रहता है, तो उसके बाद पेशेंट अपना जो सिक्रेशन है उसको एस्पायरेट करने के चांसेस रहते हैं, तो सुपाइन पोजिशन नहीं देंगे, ये आंसर गलत हो जाएगा। प्रोन पोजिशन भी नहीं देंगे, प्रोन पोजिशन में पेशेंट का जो अनकॉन्शियस है उसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा और एयरवे पेटेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए भी प्रोन पोजिशन नहीं देते हैं, तो यहाँ पे ये आंसर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और सेमी फाउलर पोजिशन भी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें एस्पायरेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा साइड लाइन पोजिशन। साइड लाइन पोजिशन देंगे आफ्टर प्रोसीजर, आफ्टर ओटी, कि कोई भी ऐसा प्रोसीजर हुआ है, कुछ भी ऐसा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देने देना चाहिए, प्रीफर्ड पोजिशन है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका एस्पायरेशन होने के चांस को प्रिवेंट किया जा सके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डॉक्टर राइट एन ऑर्डर फॉर अ ड्रग विच इज नॉट लेजिबल बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग टू द पेशेंट द नर्स विल। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डॉक्टर ने ऑर्डर लिखा है मेडिसिन का देने के लिए, बट वो नॉट लेजिबल है, मीन्स वो क्लियरली मेंशन नहीं किया है, अच्छे से हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप वो ड्रग एडमिनिस्टर करने से पहले क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि यूज हर नॉलेज अबाउट द ड्रग एंड एडमिनिस्टर, कि हमारा खुद का नॉलेज यूज करेंगे और उस ड्रग को वो एडमिनिस्टर कर देंगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है विल चेक विद अनदर नर्स एंड एडमिनिस्टर, कि हम दूसरी नर्स को बुलाएंगे और फिर उसमें उससे पूछ के उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विल आस्क द डॉक्टर टू राइट द ड्रग लेजिबल एंड देन एडमिनिस्टर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि विल आस्क द ड्रग डॉक्टर टू राइट द ड्रग लेजिबल एंड देन एडमिनिस्टर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी। हम क्या, ये सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हम डॉक्टर से पूछेंगे और उससे अच्छे से लिखने के लिए, क्लियरली मेंशन करने के लिए बोलेंगे। लेजिबल का मतलब होता है, मतलब वो अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, क्लियर नहीं लिखा है, तो हम उसे क्लियर लिखने के लिए बोलेंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। विल चेक विद फार्मेसी, फार्मेसी में चेक करने के लिए कोई सेंस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ना ही हम दूसरी नर्स को बुला के उससे वेरीफाई करके एडमिशन करेंगे, और ना ही खुद का नॉलेज लगाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर साहब से बोलेंगे कि आप अच्छे से क्लियरली लिखिए कि ये क्या ऑर्डर आपने दिया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉलिस कैथेटर साइज इज मार्क्ड विथ फ्रेंच विच इज इक्वल टू, कि हम फॉलिस कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, तो उसको फ्रेंच में मार्क करते हैं, बट 1 फ्रेंच बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे 1 फ्रेंच बराबर होता है 0.33 mm डायमीटर होता है इसका, कितना होता है? 1 फ्रेंच में 0.33 डायमीटर,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 0.33 mm ऑफ डायमीटर। फ्रेंच में उसको डिनोट किया जाता है, मार्क किया जाता है कि कितने फ्रेंच का, जैसे कि हम बात करें तो 14 फ्रेंच का फीमेल में प्रीफर करते हैं और 16 फ्रेंच का मेल में कैथेटराइजेशन करते हैं, फॉलिस कैथेटर लगाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नर्स इज यूजिंग ऑस्कल्टेशन टू ऑब्टेन अ पल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि पेशेंट किसी, जो नर्स है वो किसी पेशेंट का पल्स को ऑस्कल्टेट कर रही है, तो यहाँ पे वो कौन सा टेक्निक यूज कर रही है। इट मीन्स हम जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पे एक तो पेशेंट खुद बताता है और एक हम उसका वाइटल साइन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो पेशेंट खुद बताता है, पेशेंट के द्वारा जो अगर खुद बता रहा है तो उसको सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। लाइक जैसे कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे नोजिया हो रहा है या फिर वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये पेशेंट खुद कंप्लेन कर रहा है तो वो सब्जेक्टिव डाटा होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव डाटा मीन्स पेशेंट का पल्स रिकॉर्ड करना, टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और सब्जेक्टिव में पेशेंट खुद बताता है। तो यहाँ पे पूछा है कि एज ए नर्स पेशेंट का पल्स ऑस्कल्टेट कर रहे हैं तो ये कौन सा टाइप का मेजरमेंट होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो जाएगा। राइट आंसर सी। सब्जेक्टिव पेशेंट हमें बताएगा और ऑब्जेक्टिव हम खुद मेजर करेंगे। चलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर कौन सा होगा निम्न में से। अब कोर बॉडी टेम्परेचर का क्या मीन्स होता है? कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स जो बॉडी के इनर सरफेस से लिया जाता है। दो तरह से हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की दो साइड, जैसे कि एक तो होता है सरफेस सरफेस टेम्परेचर और एक होता है कोर बॉडी टेम्परेचर, और एक होता है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर नाम से क्लियर है कि सरफेस मतलब बाहर से जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे उसको बोलते हैं सरफेस। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो स्किन से ले लिया टेम्परेचर, स्किन से हो गया या फिर एक्जिला से हो गया। और कोर बॉडी टेम्परेचर में क्या करते हैं, इनर साइड से, इनर सरफेस से बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल रेक्टम, रेक्टम से टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोर बॉडी टेम्परेचर के बारे में पूछा है। कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स ये तो स्किन तो हो गया, सरफेस का हो गया, ये आंसर गलत, ये भी सरफेस का हो गया और ये भी सरफेस का हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो रेक्टल टेम्परेचर होता है उसको क्या मोस्ट रिलायबल मानते हैं, क्या मानते हैं? मोस्ट रिलायबल अगर पूछ ले कि कौन सा बॉडी टेम्परेचर, कौन सा टेक्निक मोस्ट रिलायबल होगा, तो रेक्टल टेम्परेचर। और अगर एक्जिला की बोले तो ये मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग गैसेज इज सपोर्टर ऑफ कम्बशन, यानी कि कौन सी गैस कम्बशन में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। अब कम्बशन मीन्स आग जो लग जाती है उसको और बढ़ाने में हेल्प करती है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन को हम जो फायर कम्बशन गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये फायर को और बढ़ाता है। ऑक्सीजन जब जहाँ कहीं फायर आग लग जाती है, आग में अगर ऑक्सीजन अगर मिल रहा है उसको, तो वो आग बुझने की बजाय और ज़्यादा फैलती है, तो ये कम्बशन ऑफ फायर करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम, यूरिन का कल्चर होता है उसको कैसे यूज, मतलब कैसे उसको कलेक्ट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन है कि जो यूरिन सैंपल ले रहे हैं किसी पेशेंट में, उसमें जो यूरिन सैंपल है उसको कब कब कलेक्ट करेंगे। फर्स्ट यूरिन को लेंगे या फिर मिड स्ट्रीम को लेंगे या फिर लास्ट को लेंगे या फिर फर्स्ट और लास्ट, मतलब थोड़ा सा पहले ले लिया और फिर थोड़ा सा लास्ट में ले लिया, तो ये टेक्निक गलत है।
लास्ट यूरिन भी नहीं लेंगे और फर्स्ट यूरिन भी नहीं लेंगे, जब यूरिन का सैंपल कल्चर, ये स्पेशली पूछ रहा है कल्चर के लिए, तो कल्चर के लिए एक स्टेराइल टेक्निक यूज़ किया जाता है और एक स्टेराइल कंटेनर आता है, उसमें यूरिन का पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि आप सबसे पहले थोड़ा सा यूरिन को पास आउट करना, फिर उसको रोकना, फिर बीच में से इसमें सैंपल लेना। तो इसमें क्या होता है, मिड स्ट्रीम यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन की उसको सलाह दी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये यूरिन सैंपल के लिए सबसे बेस्ट सैंपल होता है मिड स्ट्रीम यूरिन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ अ ब्लड प्रेशर कर्व इज टू नैरो और रैप्ड टू लूजली, द ब्लड प्रेशर इज रीडिंग विल बी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और कफ क्या है, टू नेरो है, कि क्या है, टू नेरो, और रेप टू लूज, उसको लूज भी रेप किया गया, मतलब पेशेंट को ब्लड प्रेशर लेते टाइम में हमने कफ को अगर लूज बांध दिया या फिर उसका कफ नेरो है, तो जो ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो उसके साथ वो क्या इफेक्ट आएगा उसमें, तो फाल्सली लो आएगी या फिर फाल्सली हाई आएगी, या फिर डिफिकल्ट टू हियर बिकॉज साउंड विल बी मफल्ड, या फिर डिपेंडिंग ऑन द एग्जामिनर एक्विटी। अब यहाँ पे आपको ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो तरह से होता है कि अगर बीपी कफ अगर हाई, बीपी कब हाई आएगा, बीपी कब आएगा, हाई आएगा इसमें कुछ होता है, और बीपी कब लो आएगा, जब बीपी कब बिलो बिलो हर्ट लेवल होगा, क्या होगा, बिलो हर्ट लेवल होगा तो बीपी आएगा हाई, फाल्सली हाई आएगा, ठीक है। और अगर स्लो स्लो डिफ्लेट किया आपने, स्लो डिफ्लेट किया मतलब उसको धीरे धीरे डिफ्लेट किया, तब भी बीपी हाई आएगा। और अगर नेरो कफ है, क्या है, नेरो कफ है, तब भी बीपी ज्यादा आएगा। और अगर लूज कफ है, तब भी लूज कफ में भी बीपी ज्यादा आएगा। और क्रॉस, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में अगर क्रॉस लेग करके बैठा है, क्या अगर क्रॉस लेग कर रखे उसने, क्रॉस लेग, तो उसमें भी बीपी इंक्रीज आएगा। और बीपी फाल कब, मतलब डिक्रीज कब आएगा, जब बीपी कब वाइड हो, क्या हो, वाइड वाइड बीपी कब हो, या फिर आर्म लेवल, जो आर्म लेवल है, आर्म लेवल हार्ट लेवल से नीचे हो, हार्ट लेवल से नीचे हो, डिक्रीज हो, या फिर उसका पीक डिफ्लेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पीक डिफ्लेट, डिफ्लेट जल्दी जल्दी उसका डिफ्लेट कर रहे हैं, या फिर टाइट कप बांध रखा है, TIGT कप, टाइट कप बांध रखा है, तो उसमें भी बीपी फाल्सली लो आएगा। और यहाँ पे फाल्सली हाई कब आएगा, जब बीपी कप जो हार्ट लेवल है उससे नीचे की साइड में है, लो बिलो है, या फिर स्लो डिफ्लेट कर रहे हैं, धीरे धीरे डिफ्लेट कर रहे हैं, या फिर नेरो कप, जो कप है वो छोटा है और लूज, उसको एकदम लूज बांध रखा है, या फिर पेशेंट ने लेग को क्रॉस कर रखा हो, तो यहाँ इन सारी कंडीशंस में बीपी फाल्सली इंक्रीज आएगा, मतलब बढ़कर आएगा, बढ़ा हुआ आएगा, और यहाँ पे इन सारी कंडीशन में बीपी डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पे पूछा भी क्वेश्चन ने यही है कि ब्लड प्रेशर जो होता है नेरो कप है और उसका जो लूज बांध रखा है, तो यहाँ पे लूज बांधेंगे और नेरो होगा तो कौन सा, फाल्सली हाई आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ मस्ट नोट द डेट टाइम ऑफ कलेक्शन एंड मस्ट बी अवेयर दैट पैकेट पैक्ड आरबीसी कैन बी स्टोर्ड अप। किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें जो ब्लड रहता है टोटली, मतलब ये पूछा है कि जो पीआरबीसी रहती है उसको कितने दिन तक स्टोर रख सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 25 डेज, 25 दिन तक, 45 दिन तक, 35 दिन तक और 55 दिन तक। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो होल ब्लड होता है, होल ब्लड होता है उसको हम 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 35 डेज तक। और जो पीआरबीसी होता है, पीआरबीसी जो पैक्ड आरबीसी होता है, उसको हम 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। और जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, उसको 5 डेज तक, क्या करते हैं, 5 डेज तक स्टोर कर सकते हैं। और जो एफएफपी होता है, एफएफपी को हम क्या करते हैं, 14 डेज तक कर सकते हैं, 14 डेज तक। और जो सीआरटी होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट, उसको भी 14 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, होल ब्लड होता है जो हम ब्लड बैग रहता है उसमें जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उस होल ब्लड को 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, और उसमें से अगर पीआरबीसी अलग कर लिया है, ओनली फॉर पीआरबीसी है, पैक्ड आर रेड ब्लड सेल है, तो उसको 42 डेज तक स्टोर कर सकते हैं, और प्लेटलेट को 5 डे तक, एफएफपी को 14 डेज तक, 14 आवर्स तक, और सीआरटी को भी 14 घंटे तक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 42 तो है नहीं, 45 दिन ज़्यादा हो जाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, और 55 दिन भी ज़्यादा हो जाएगा और 25 दिन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर चला जाएगा 35 डेज तक। जो ब्लड बैग रहता है उसमें जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक एजेंट मिलाया जाता है, सीडीपीए। क्या मिलाया जाता है? सीडीपीए, सिट्रेट, सिट्रेट, डेक्स्ट्रोस, डेक्स्ट्रोस, फॉस्फेट एंड एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन। जो ब्लड बैग रहता है, जो ब्लड बैंक में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, तो उसमें उस ब्लड बैग में ये एजेंट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से सिट्रेट क्या करता है, हाई जो कैल्शियम है उसको बाइंड करके हाइपोकैल्शियमिया करवाता है। इट मींस पेशेंट को अगर ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो वहाँ पे पेशेंट को हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सिट्रेट ने कैल्शियम को बाइंड कर लिया, इसलिए हाइपोकैल्शियमिया हो सकता है। डेक्स्ट्रोज क्यों मिलाया जाता है? टू एनर्जी के लिए। और फॉस्फेट और एडिनिन, एडिनिन मिलाया जाता है उसको लाइफ, उसके लाइफ स्पान, स्पान बढ़ाने के लिए आरबीसी का। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको कौन सा एजेंट मिलाया जाता है, सीडीपीए, और कौन से ब्लड को कितने दिन तक स्टोर रखा जाता है। अच्छा, इसकी टेम्परेचर की अगर बात करें, टेम्परेचर की भी, तो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है ये होल ब्लड, ये भी 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जो प्लेटलेट है उसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख सकते हैं, और जो एफएफपी और जो सीआरटी है उनको -22 से -44 तक रख सकते हैं, ठीक है, -40 तक, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -22 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टोर रख सकते हैं। तो ये जो ब्लड वाला हमारा टॉपिक है उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है कि कितने दिन तक पीआरबीसी को स्टोर रख सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अ नर्स वर्किंग इन एन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजरी। कोई नर्स है जो ऑपरेशन थिएटर में काम कर रही है, उसको एचआईवी इन्फेक्शन में जो नीडल स्टिक इंजरी होती है, एनएसआई, क्या होता है? नीडल स्टिक इंजरी। ये पूछ रहा है कि जो नीडल स्टिक इंजरी होती है वो एचआईवी वाले इन्फेक्टेड पर्सन की कितने परसेंट होती है। तो 1:100, या फिर 1:300, या फिर 1:200, या फिर 1:400। तो यहाँ पे जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका अगर एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन की अगर निडिल किसी हेल्दी पर्सन में लग जाती है तो उसकी रिस्क रहती है 1:300। कितनी रहती है? यानी कि 300 पेशेंट में से एक पेशेंट को होने के चांस रहते हैं। क्या होता है? एक पेशेंट को होने के चांस रहते हैं, ये एचआईवी का जो नीडल स्टिक इंजरी रहता है वो रहता है। और अगर इसी यहीं पे मैं बात करूं, एससीवी जो हेपेटाइटिस सी रहता है उसमें कितना परसेंट चांस रहता है? 3 to 5%। कितना रहता है? 3 to 5%। इट मीन्स जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो जो 100 लोगों में से 3 से 5% लोगों में फैल सकता है ड्यूरिंग नीडल स्टिक इंजरी। जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन की जो इन्फेक्टेड नीडल है अगर वो हेल्दी पर्सन में या फिर कंसर्न स्टाफ को लग जाती है तो उसमें कितने चांस रहते हैं? एससीवी के 3 से 5%। और यहीं अगर हेपेटाइटिस बी, एचबीवी की बात करें, हेपेटाइटिस बी वायरस की, तो उसकी जो इन्फेक्टेड रेट रहती है वो रहती है 25 से 30%। कितनी रहती है? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल सेटिंग में हेपेटाइटिस बी नीडल स्टिक इंजरी के थ्रू फैल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, हेपेटाइटिस बी 25 से 30% नीडल स्टिक इंजरी में चांस रहते हैं, और हेपेटाइटिस सी में रहता है 3 से 5%, और एचआईवी में रहता है 0.03%। कितना रहता है? 0.03%, यानी कि 300 लोगों में से एक को होने के चांस रहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप एविसरेशन, व्हेन अ नर्स शुड डू, कि आफ्टर ऑपरेट मतलब ऑपरेशन के बाद में किसी पेशेंट को एविसरेशन हो गया है। क्या हो गया है? एविसरेशन।
अब यहाँ पे आपको एविस्रेशन का मीन्स पता होना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव एविस्रेशन डेवलप हो गया है, तो आप एज ए नर्स क्या करेंगे सबसे पहले? तो प्रोवाइड मॉरल सपोर्ट, उसे मॉरल सपोर्ट देंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, या फिर आस्क पेशेंट टू ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीने के लिए सलाह देंगे, या कवर द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन, जो बाहर निकल गया है ऑर्गन उसको कवर कर देंगे, या फिर पुश द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इनसाइड, कि जो बाहर निकल गया ऑर्गन, जो बाहर प्रोट्रूड हो गया उसको हम अंदर पुश कर देंगे। तो एविसरेशन में क्या होता है, जो एविसरेशन रहता है, एविसरेशन में जो ऑर्गन बाहर आ जाता है, क्या आ जाता है? एग्जिट, एग्जिट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी। और एक वर्ड और होता है यहाँ पे, एक वर्ड और होता है कि डेइसेशन, डेइसेशन, डेइसेंस। डेइसेंस क्या होता है कि इसमें जो वुंड रहता है वो दूर 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 हो जाता है, मतलब उसको सेपरेट हो जाता है, सेपरेट ऑफ वुंड, क्या हो जाता है? सेपरेट ऑफ वुंड। इसमें क्या होता है, D4 याद रखना आपको, दूर दूर हो जाता है, और एविसरेशन में एग्जिट हो जाता है, क्या हो जाता है? जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है वो बाहर एग्जिट हो जाते हैं। तो इसमें एविसरेशन पूछा है, तो यहाँ पे एविसरेशन का मतलब है कि बॉडी से कुछ ऑर्गन बाहर प्रोट्रूड हो गए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो हम उसे मोरल सपोर्ट नहीं देंगे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए भी नहीं बोलेंगे, पुश द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन इनसाइड, ऐसा भी हम नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे जो प्रोट्रूड ऑर्गन हुआ है उसको कवर कर देंगे एक स्टेराइल वॉच पीस से, नॉर्मल सलाइन में कवर करके, नॉर्मल सलाइन में उसको डिप करके, उसको जो प्रोट्रूड ऑर्गन हुआ है उसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। एविसरेशन और डेइसेशन में से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, तो आपको याद रखना है, डेइसेशन मतलब सेपरेशन ऑफ वुंड, और एविसरेशन मतलब एग्जिट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम द बॉडी, मतलब बाहर प्रोट्रूडिंग ऑफ ऑर्गन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स द पोजिशन ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी चेंज, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, जो बेहोश पेशेंट होता है, उसमें कितने टाइम में हमें पोजिशन को चेंज करना होता है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है 4 ओवरली, सेकंड ओवरली, या फिर 8 ओवरली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, जो जो बेहोश पेशेंट होता है, उसमें एवरी सेकंड ओवरली पेशेंट को जो पोजीशन चेंज करना रहता है। ऐसा क्यों करना रहता है? क्योंकि वो अनकॉन्शियस पेशेंट है, और उसमें या तो प्रेशर सोर होने के चांस रहेंगे, या फिर अगर वो अनकॉन्शियस है और उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाया गया है, तो उसमें एस्पायरेशन के चांस भी बढ़ जाएंगे, तो उसको सेकंड ओवरली पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन देनी चाहिए। अभी हमने प्रीवियस जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें भी डिस्कस किया था कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसको साइड लाइन पोजिशन देंगे। कौन सा साइड लाइन पोजिशन देंगे, क्यों देंगे ऐसा? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, और उसका सेकेंड ओवरली पेशेंट को पोजिशन चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनहालेंट एनेस्थीसिया, कौन सा ऐसा एनेस्थीसिया होगा जो इनहालेशन के थ्रू दिया जाएगा, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होगा इनहालेंट एनेस्थीसिया का? मेडाजोलम, फेंटेनिल, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर मॉर्फिन। तो यहाँ पे मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन आप सबको पता होगा ओपोइड्स है, ओपोइड्स होता है ये, तो पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है इस, और फेंटेनिल, फेंटेनिल को भी स्ट्रॉन्ग ओपोइड्स है, स्ट्रॉन्ग ओपोइड्स है, तो ये भी पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है। तो और मिडाजोलाम क्या है, आई भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनहेलेंट एनेस्थीसिया कौन सा होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। हम नाइट्रस ऑक्साइड को आपने सुना होगा लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, क्या क्या जानते हैं? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पोजिशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट हु इज डिस्निया, कि कौन, जिस पेशेंट को डिस्निया हो रहा है उसको कौन सी पोजिशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे, यानी कि वो पोजिशन उसको नहीं देंगे। फर्स्ट ऑर्थोपनिक, सेकंड फाउलर, कार्डियक पोजिशन, और ट्रेनलेन। तो जो डिस्निया का पेशेंट होता है, जिसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसको हम ऑर्थोपनिक पोजिशन देते हैं। तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा,
इसने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है कि कौन सी पोजीशन नहीं देंगे, तो ऑर्थोपनिक पोजीशन तो देते हैं, फाउलर पोजीशन भी देते हैं उसको डिस्निया को रिलीव करने के लिए, और कार्डियक पोजीशन हमने अभी डिस्कस किया। कार्डियक पोजीशन क्या होता है, कार्डियक टेबल लगा दिया जाता है पेशेंट के बेड के सामने, या फिर कुछ पिलो से सपोर्ट करके उसको कार्डियक पोजीशन दी जाती है। तो ये तीनों पोजीशन डिस्निया में इंडिकेटेड है, बट इसने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड पूछा है, तो यहाँ पे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन हो जाएगा। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में क्या होता है कि दोनों पेशेंट के दोनों पैरों को एलिवेटेड कर दिया जाता है, यानी कि ये पेशेंट है तो इसको, इसके जो ये पैर है इसको ऐसे कर दिया जाता है, ठीक है, 30 डिग्री पे एलिवेटेड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजिशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन जस्ट बिलो द स्किन इज कॉल्ड, कि जस्ट स्किन के बिलो अगर कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उस रूट को कौन सा रूट बोलेंगे, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रामिनस या फिर सबक्यूटेनियस। तो आपको पता होना चाहिए सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन को, सब इंजेक्शन को हम 45 डिग्री पे देते हैं, 45 डिग्री पे सबक्यूट जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू लेयर होती है उसमें दिया जाता है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। इंट्रामिनस हम वेन में देते हैं, तो इंट्रामिनस भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और इंट्रामस्कुलर जो मसल्स में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, मसल्स में, और 90 डिग्री पे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंट्राडर्मल, डर्मिस के जस्ट बिलो दिया जाता है, इसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। ये 10 to 15 डिग्री पे लगता है, और उस AST किसी पेशेंट को, जैसे किसी इंजेक्शन लिग्नोकेन हो गया, या किसी सेंसिटिव जो इंजेक्शन रहते हैं उनका अगर AST करना हो तो इंट्रा डर्मली उसका किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं, आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, अपनी राय कमेंट देकर बताएं, और अच्छे सेशन के लिए हमारे YouTube चैनल नर्सिंग डिग्निटी को सब्सक्राइब करें। सभी को थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।